वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे होंगे। और भाई लास्ट 4 डेज 5 डेज से कोई भी व्लॉग नहीं था। रीजन था भाई लगातार 3 डेज तो बुखार रही, फिर उसके बाद एक दिन थोड़ा सा ठीक हुआ, बट उसके बाद वापस से नेक्स्ट लेवल बुखार हो गई थी एक दिन। बट आज बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कल ही हो गई थी मैक्सिमम ठीक, बट फिर भी थोड़ी बहुत जो भी तबीयत जो भी इश्यू थे आज रिजोल्व होके आज बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है वो लोग स्टार्ट करने का। अरे बोगलू भाई, अब रुक जा यार, इतना काटता है ना, इतना काटता है इसका मैं क्या ही बताऊँ। तो आज वैसे तो है इसका पोपलू का वैक्सीनेशन का टाइम, लाइक इसको 1 महीना हो चुका है, जो लास्ट 27 जनवरी को लगी थी। तो डॉक्टर ने यही कहा था कि 1 महीने बाद होगी नेक्स्ट। तो आज वैसे है, बट आज शनिवार है, तो मे भी हो सकता है यार बंद हो, क्योंकि संडे शनिवार मैक्सिमम ये वीकेंड वगैरह कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है, वो मैं पूछूंगा 9:30 बजने के बाद। अभी तो जस्ट 8 बजे और 8 बजे ही इतनी कड़क धूप निकल चुकी है, लाइक मतलब गर्मियाँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाली स्टार्ट हो ही गई हैं हमारी साइड। तो देख ही रहे यार, मैं भी बिना कोट वगैरह के ही घूम रहा हूँ आज। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। 9 बजे के बाद अगर क्लिनिक ओपन होगा तो आज हम जाएंगे इसको पोपलू को लेके, वो जुगाड़ लगाएंगे कैसे ले जाएंगे। पहले तो स्कूटी पे ले जाते थे, बट अब ये इतना बड़ा हो चुका है, स्कूटी पे तो क्या ही जाएगा भाई। तो पी दे पोपलू, पोपलू ला 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 टोपी दे दे, बबलू टोपी दे दे, ला ला टोपी दे दे, ला छोड़ दे छोड़ दे, नो सर्दी खत्म होगी अब तू पहरेगा कि इसको, छोड़ दे भाई। व्हाट आर यू डूइंग पब्ली, व्हाट आर यू डूइंग, हेलो पब्लू, टाटा टाटा। आज पब्लू को लगेगी वैक्सीन, पब्लू सुई लगेगी तेरे, सुई सुई लगेगी तेरे को। तो भाई हम पोपलू को लेके जा रहे हैं इसकी वैक्सीनेशन करवाने, हाकी देखते हैं बाकी का क्या सारा सीन रहेगा। अभी देख लिए कितना लगा है, बाद में जा रहा लाडी तो बैठो। तो यहाँ पे भाई हम पोपलू के लेके निकल पड़े हैं, सिर्फ पोपलू के लिए हमें गाड़ी करनी पड़ी, वरना स्कूटी पे ही हम ले जाते। पहले छोटा था तब तो अच्छे से स्कूटी पे चला जाता था यार, बट आज तो मैंने मतलब सबसे पहले हमने यही ट्राई किया कि स्कूटी पे आराम से चल पड़े। पहले तो अकेले ने आगे बैठाया, फिर जो पिछली बार जब ले गए थे जो बॉक्स वाली टेक्निक थी वो अपनाई, उसको भी फाड़ कर ख़त्म कर दिया। एंड फाइनल जो स्टेप था वो भाई हमने सुमित के साथ, मतलब सुमित ने इसको पीछे पकड़ा स्कूटी में, बट तब भी नहीं चला। तो हमने सोचा यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फाइनली हमने गाड़ी एंड देन पोपलू को लेके आए, तब जाके पूरा का पूरा काम। इस टेम्पो वाले बंदे को देखो यार, पूरी फाटक के ऊपर इतना पहले से ही जाम है, और इसने यहाँ पे आके गाड़ी अड़ा के पूरा की ऐसी तैसी कर दी। जो लाइन चल रही थी ना उसको बीच में से ही तोड़ दिया और ख़त्म सी गाड़ी कर दी, बट कोई ना फाइनली हटा। और सबको इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी ना, देख रहे हो दोनों तरफ से कैसे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल ऑटो वगैरह कैसे निकल रहे हैं, हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और पोपलू बेचारा गाड़ी के अंदर इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, अब क्या ही बताऊँ। अबे भाई हम क्लिनिक पे आ तो गए यार, और डॉक्टर से पहले सुबह हमने बात भी की थी तो वो बोले ओपन मिलेगा, बट अभी तक क्लोज कर रखी है। 11:30 होने को आए हैं यार, पोपलू पूरा परेशान हो जाएगा तब तक। तो ले ओए बस 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 बेस्ट हो ये थोड़ी देर में दर्द हो जाएगा। ओहो कमरे की सफाई चल रही है, मम्मी जी को तो जब भी टाइम मिलता है कमरे की सफाई के लग जाते हैं। मैं और पोपलू इसको खराब करते रहते हैं मम्मी जी। पीसी गेरो का ना सक्रिय। और गाइज एक नई चीज़ आई है जो कि मैंने पहले अभी तक दिखाई नहीं है, बिकॉज ये 3 दिन जो मैं बीमार रहा ये अपना माउस पैड आ चुका है। पहले नहीं था मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं था, मैं ऐसे ही जस्ट नॉर्मल जे वाली जगह है यहाँ पे परस रखा हुआ है ऐसे अभी, तो यहाँ पे ऐसे ही रख के चलाता था। तो ये माउस पैड अब की बार मैंने एक बड़ा सा ऑर्डर किया था और ये आ भी गया, काफ़ी अच्छा है भाई।
अब स्पॉन्सर्ड तो है नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल बाय कर सकते हो। बेस्ट सेलर में यही आ रहा था। ये काफ़ी दिन हो गए आपको सेटअप मेरा अच्छे से देखे, तो सेटअप वही नॉर्मली अपना है, इसी मेज पे पीसी है, उसके पास थोड़ी सी एक्वेटिक फोम जो कि साउंड के लिए पीछे लगा रखी है। लाइक यहाँ पे बैठ के ऐसे बात करूँ तो वहाँ आवाज़ लग के वापस अच्छे से गूंजे ना। और ये अपना डेस्क है, ये अपनी चेयर है, ये सुमित है और ये हमारी पार्टी हो रही है। 3-4 दिन की वजह से बिल्कुल चेहरे की हालत ख़त्म सी ख़राब सी हो चुकी है, क्योंकि ये दाढ़ी वाढ़ी बढ़ गई, इसको ठीक करवा के आएंगे आजकल में, और ये नाक पे थोड़ी सी घूमड़ियाँ हो गई है। किस चीज़ की हंसी आ रही भाई तेरे को है? देखो मुझे अपने आप ही हंस रहा है पागल की तरह, बता दे कोई ऐसी का रीजन है। मेरी हालत तो बुखार की वजह से खराब होगी, नहीं तो मैं तो तेरे से तो ठीक ही था। वैसे तो पोपलू का देखो ये वैक्सीनेशन जो हुआ उसकी वजह से शायद उसको दर्द हो रहा है, बिकॉज जो लास्ट की जो वैक्सीन थी वो थोड़ी सी अलग जगह लगी थी, अब की बार वाली थोड़ी सी अलग जगह है, तो हो सकता है उस वजह से कुछ चेंजमेंट आई हो शरीर के अंदर जो भी है, बट थोड़ा सा इसको दर्द जरूर हुआ है मैंने देखा है, क्योंकि उतना अच्छे से नहीं चल रहा, थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। मे बी कल तक ठीक हो जाएगी या रात तक इंतजार करते हैं, वरना फिर आगे की सलाह लेते हैं क्या समस्या है कैसे है। और जो कि जैसे डॉक्टर ने लास्ट टाइम गए थे तब उन्होंने कहा था कि एक और इंजेक्शन लगेगा, तो मैंने सोचा था कि लास्ट इंजेक्शन होगा ये वाला, मैं सुबह भी आपको यही कह रहा था, बट डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा इंजेक्शन तो लास्ट है बट एक बूस्टर होता है वो शरीर के लिए होता हुआ यार, बूस्टर क्या चीज़ होती है आई डोंट नो, अब डॉक्टरों की क्या लैंग्वेज में बूस्टर किसको बोलते हैं, वो बोले वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट एक बूस्टर और लगने हैं जस्ट एक महीने के बाद, तो इसको लास्ट वो लगेगा, उसके बाद 1 ईयर पे शिफ्ट हो जाएगा सारा काम, मतलब लाइक 4 मंथ का हो जाएगा तब तक पोपलू, 4.5 महीने का, और उसके बाद हर एक साल के बाद एक 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 इस टाइप से इसकी वैक्सीनेशन या जो भी बाद में बूस्टर लगेंगे वो लगते जाएंगे और बिल्कुल परफेक्टली सारा काम हो जाएगा। तो देखो भाई पोपलू की सबसे बड़ी दिक्कत है आंखों में आंसू ले आता है, रीजन पता है क्या, जब इसको गाड़ी में ले जाते हैं, लाइक लोगों को गाड़ी में बैठना पसंद होता है जिनके पास गाड़ी नहीं होती, और ये महाराज ऐसे कह रहे हैं मेरे को गाड़ी में मत बैठाओ, क्योंकि पहले तो इसको स्कूटी पे वैक्सीन करवाने ले जाते थे, बट अब यार इतना बड़ा हो चुका है स्कूटी से, मैंने स्टार्टिंग में यही ट्राई किया था कि स्कूटी पे ओपनली आराम से चला जाएगा, बट जंप पे जंप मारने लगा, सुमित ने पकड़ के बैठा तब भी जंप मार रहा था, तो मैंने सोचा इस पे तो नहीं हो सकता, फिर गाड़ी की हमने गाड़ी करके इसको लेके गए, तो भाई वहाँ पे आंसू ले आया, चूं चूं करने लगा गाड़ी के अंदर कि बस मेरे को बाहर निकाल दिए, देख रहे आंखों में आंसू यहाँ तक लटका रखे हैं, जैसे वो विदाई पे क्या कहते हैं ना, जो दुल्हन होती है अपने माता पिता के सामने उतार, मतलब आंख में नकली आंसू लाती है, आंसू असली पता नहीं, बट जैसे भी है लाती है ना, वो वाले सीन इसके भी, मतलब गाड़ी में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई इसको, ये हो सकता है मे भी घर से दूर जाना पसंद ना हो, गाड़ी में बैठना मे भी पसंद हो सकता है, बट कोई तो रीजन है आंखों में आंसू ले आता है उस वजह से, तो हमको काफ़ी दिक्कत होती है इस वजह से, काफ़ी मतलब यार फील तो होता ही है ना भाई कि यार अपना पोपलू मतलब उदास है, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, इसकी वैक्सीनेशन भी इम्पोर्टेंट है। छोटी सी चीज दिखाता हूँ, दोपहर के टाइम में रात के में कभी भूख लग जाती है मैं मैक्सिमम आजकल यही खाता हूँ, काफी अच्छी है, ओट्स, जस्ट ओट्स, इसका मैं क्या और तो क्या ही बताऊँ, इसको बनाने की रेसिपी दिखा देता हूँ, इतनी इजी रेसिपी है एंड यार इतनी अच्छे से बन जाती है और खाने में कई मजे आते हैं ना इसको, मतलब अलग ही लेवल की, और प्लस बहुत सारी इसमें प्रोटीन विटामिन जो भी चीजें होती हैं सारी चीजें इसके अंदर, मैक्सिमम फाइबर सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी शरीर को थोड़ा सा फिट तंदुरुस्त रखती हैं, लेकिन जो बाहर की चीज़ें खाते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा एक वो हो सकता है अल्टरनेट, तो मैंने उसी के लिए इसको यूज़ किया था, बिकॉज मैं भी यार काफ़ी ज़्यादा खाता था एंड फिर मैंने बंद कर दी और आजकल ओट्स खा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसको देखो थोड़ा सा ऐसे डालते हैं, मैं भी और मम्मी भी खाएंगे मेरे साथ, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, वैसे मेरे लेवल का तो हो गया था। ओके इतना सा ओट्स लो, इसके अंदर जस्ट इतना पानी डालना है कि जस्ट ये भीग जाए, इसके बाद इसके अंदर डालना है दूध, दूध इतना डालना है कि ये अच्छे से भीग जाए बिल्कुल प्रॉपरली, अपने तो घर का दूध अपने को तो दिक्कत नहीं है वैसे भी, हम तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लेंगे तो भी समस्या नहीं है, तो ऐसे इतना दूध डाल लो, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी जिससे कि इसके अंदर थोड़ी सी मिठास आ जाए, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा मीठा लगे, हद से ज़्यादा बिल्कुल मत डाल देना, बिल्कुल थोड़ी, मज़े नहीं आएंगे यार ज़्यादा खाओगे तो।
जैसे डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं ना काफी टाइम की दलिया खाओ सेहत के लिए अच्छा, तो उसकी जगह आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। प्लस टेस्ट अलग हो जाता है यार, दलिया खाना काफी को अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है, बट फिर भी ये होता है ना थोड़ा सा टेस्ट भी चाहिए उसके साथ, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। उस वजह से मैंने दिखा दिया यार मैं क्या खाता हूँ दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत, क्योंकि मस्त लगता है मेरे को, ज्यादा दिन नहीं हुए मैंने। तो ये फाइनली भाई हो चुका है रेडी जस्ट इन 3 to 4 मिनट्स। मैगी से भी फास्ट होता है, मैगी भी इतनी जल्दी नहीं होती, ये हो जाता है। हट जाओ मम्मी जी, हट जाओ, रेल आ रही है। आपका पोचा ही खत्म नहीं हुआ सुबह से? नहीं नहीं ना ही नहीं। क्या खाने में क्या है मामा? वायर डायग्राम है। खाने में क्या है मामा? मामा बोला हे मिस ड्रामा। न्यूज़ ही बोला करे। आज खीर किस स्पेशल है? अच्छा तो आज गाइस खीर स्पेशल सुमित मेरे लिए ठंडी कर रहे हैं ना सुमित भाई? भाई नहीं है हूँ क्या? नहीं है भाई, भाई नहीं है। खीर के लिए रहे तुमने रिश्ता तोड़ लिया। खीर के लिए रिश्ता तोड़ लिया तुमने भाई। तो आप शायद देसी घी के चूरमे को आप चूरमा बोलते हो, आप पता है क्या बोलते हो? बोए। उससे मम्मी समझ जाती है, मैं कहता हूँ ना बोए बनाना मम्मी से आज, तो उससे ऑटोमेटिक समझ आती है। बोए नहीं कहते हम, बोए कहते हैं अपने हरियाणवी भी लैंग्वेज में, मतलब ठेठ। उसमें रीजन है इसके पीछे, क्योंकि यार देखो बोए मतलब स्पेशल हो ही है, बोए बनाना, तो उस वजह से ऐसा कुछ सीन है। स्पेशल खीर बनी है तो खीर के साथ चूरमा भी खाते हैं, मजे आएंगे। और कल इस चेहरे को थोड़ा सा ठीक करवा के आएंगे, बिल्कुल कैसा हुआ पड़ा है बुखार की वजह से 3-4 दिन किया। मम्मी तो टोकती रहती है, मम्मी तो आपको पता ही है, बालों के लिए डाडी के लिए बाल कटवाओ डाडी कटवाओ। होप यू एंजॉय दिस व्लॉग गाइस, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से जरूर बताना। मानता हूँ यार 4-5 दिन के बाद व्लॉग था, तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैं माफी मांग ही चुका हूँ, बिकॉज भाई तबीयत के ऊपर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एक दिन होती है सह लेते हैं, बट यार 4-5 दिन लगातार थी, तो एक दिन तो शरीर को रिकवर करने में ही अच्छे से लग गया। तो चलो यार जैसा भी है ठीक है, इस व्लॉग को एंड कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक भी चैनल को नहीं किया। तो मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।